कॉग्निशंट एकेडमी की फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लेंजेस लॉ के बारे में। लेंजेस लॉ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये लेंजेस लॉ जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम लोग लेंजेस लॉ को डिस्कस करें, हम लोग थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने फैराडेज़ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था, जिसमें हमने बताया था 3 लॉ के बारे में। पहला, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज टू बी डेवलप्ड। जो फैराडेज़ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसका पहला जो लॉ था उसमें यह कहा गया है कि जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरा ये था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज। जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहते हो तब तक आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपडेट होता है। और तीसरा और बेहद इंपॉर्टेंट बताया गया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये हमने कहा था। अभी ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा अगर उसको किसी क्लोज सर्किट में अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वह एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट देता है। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट है उसके डायरेक्शन के बारे में ये लेंजेस लॉ में कहा गया है। तो लेंजेस लॉ है क्या? इट स्टेट्स दैट The direction of induced electric current is always opposes the cause due to which it is to be produced. तो जिन वजहों से ये induced electric current develop होता है वह induced electric current हमेशा उन वजहों को oppose करता हुआ रहता है। तो यहां पर देखिए ये जो induced EMF develop हो रहा है rate of change in magnetic flux की वजह से, तो ये जो rate of change in magnetic flux है वो cause है जिसकी वजह से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। तो यहां पर जब हम लोग इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं माइनस डी फाई बाई डीटी, जो ये बतलाता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वह हमेशा अपोज करेगा उस काउस को जिसकी वजह से वह डेवलप हुआ है, राइट? तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उस काउस को अपोज कर रहा है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट भी ऑब्वियसली करेगा। तो यहां पर लेंजेस लॉ में क्या है तो आप देखो, इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इज सच दैट इट अपोजेस द काउस ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड, राइट? इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो डायरेक्शन है किसका, इंड्यूस्ड करंट का, इज सच दैट इट अपोजेस द काउस ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। तो जिस काउस की वजह से ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है उस काउस को ये हमेशा अपोज करता है। अब हम लोग लेंजेस लॉ को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हमने आपको बताया था फैराडेज एक्सपेरिमेंट में कि फैराडे ने क्या लिया, एक सर्कुलर क्वाइल लिया। इस सर्कुलर क्वाइल को किसके साथ से जोड़ा, तो एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा। एंड देन आफ्टर हम लोग यहां पर देखते हैं कि एक नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट है, इसको इस तरह से मूव किया गया सपोज किया। तो अगर नॉर्थ पोल को अगर हम लोग टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर क्वाइल लेके आते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो नॉर्थ पोल है उसके सामने की आने की वजह से ये जो आप देख रहे हो सर्कुलर क्वाइल ये भी बिहेव करता है किसके जैसा, नॉर्थ पोल के जैसा, ताकि इसके मोशन को वो क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। और मोशन को रेजिस्ट एक ही शर्त पे करेगा जब यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वह कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन इसलिए होता है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होने की वजह से ही वह उसके मोशन को रेजिस्ट कर सकता है। तो यहां पे देखिए अगर हम लोग लेंजेस लॉ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो
So when the north pole of the bar magnet is moving towards the axis of the circular coil, then circular coil itself behaves just like a north pole to resist the motion of the bar magnet. That's why the direction of induced electric current is in anti-clockwise. जो भी direction है induced electric current का वह कैसा होता है? तो anti-clockwise होता है. Lynch's law को हम लोग conservation of energy के basis पर prove कर सकते हैं. कैसे? तो जैसा कि हमने बताया कि अगर एक सर्कुलर कॉइल है और एक बार मैग्नेट, दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है तभी जाके इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों को ऑब्टेंड होता है. सो व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन इन बिटवीन द सर्कुलर कॉइल एंड द बार मैग्नेट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज टू बी डेवलप्ड, अदरवाइज no electric current is to be obtained as well as no induced EMF is to be developed if both are at stationary. तो अगर circular coil और bar magnet दोनों को ही अगर हम लोग stationary stage में रखते हैं, rest position में रखते हैं, then that time हम लोगों को induced EMF और induced electric current जो है वो नहीं मिलता है. Whenever there is a relative motion between them, then that time only induced EMF is to be developed and induced electric current is obtained. तो अब अगर relative motion देना है, to give relative motion, we have to perform a mechanical work. That means we have a mechanical energy and this mechanical energy is to be converted into electrical energy. That means ये conservation of energy को follow कर रहा है. Conservation of energy में हम लोग यही पढ़ते हैं, energy can neither be created nor be destroyed, but it make it transform from one form into another form of energy. तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जब mechanical work आप कर रहे हो तब यहां पर relative motion हो रहा है और उसी relative motion की वजह से हम लोगों को induced EMF मिल रहा है, induced electric current जो है वह obtained हो रहा है. अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपको नहीं मिलता है. तो mechanical work ही यहां पर in fact कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. यहाँ पे किसी भी तरह का एनर्जी का न तो क्रिएशन हो रहा है और न ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है. तो समटाइम्स आपसे पूछा जाता है कि लेंजेस लॉ जो है कंजर्वेशन के किस लॉ पे बेस्ड है, तो आपको याद रखना है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है. तो प्रूफ फ्रॉम, अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, जो कॉइल है और जो मैग्नेट है अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. तो ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, बट इट इज नॉट द क्रिएशन ऑफ एनर्जी. यहाँ पे किसी भी तरह का एनर्जी का क्रिएशन नहीं हो रहा है. इट मीन्स मैकेनिकल वर्क शुड बी डन फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट. तो यहां पर अगर आपको मैकेनिकल वर्क आपको करना पड़ रहा है, क्यों, ताकि आप रिलेटिव वेलोसिटी जो है वह कॉइल और मैग्नेट के बीच में दे सको. एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और इनफैक्ट हम लोग देख रहे हैं यहां पर जो भी मैकेनिकल एनर्जी है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. इट इज पॉसिबल इफ द कॉइल रेजिस्ट द मोशन ऑफ द मैग्नेट विद इट्स सुटेबल डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो ये तभी संभव है जब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए. ये तभी संभव है जब कॉइल जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा रेजिस्ट किया जाए. एंड इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंजेस लॉ कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजेस द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड. तो यहां पर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, तो ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट. तो इस रिलेटिव मोशन को देने के लिए आपको मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करना है, वही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. और यही तो लेंजेस लॉ कहता है कि जिस वजह से आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन कर रहे हो उस कॉज को ये हमेशा क्या करता है, अपोज करता है, क्योंकि ये तभी डेवलप होगा
जो मैकेनिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तभी ट्रांसफॉर्म करेगा जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको अपोज करेगा, और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है, तो जिस काउज से वो डेवलप हो रहा है उस काउज को हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। तो लेंज़ लॉ में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चल मिलेंगे। थैंक यू।